प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है। माँ, मन की चंचलता बड़ी डराती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता, इसके लिए कोई उपाय बताइए। माँ, अभ्यास योग करो, विवेक वैराग्य रखो। प्रश्न, माँ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अभ्यास करते हुए भी मन इधर उधर भटकता है। माँ, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जिस स्थान पर रहता है वहीं से भगवान को पाने की कोशिश कर सकता है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते तद्बुद्धि से सेवा करनी चाहिए, जैसे बालक को समझना चाहिए बाल गोपाल का स्वरूप और स्त्री को समझना चाहिए गृह लक्ष्मी का स्वरूप। स्त्री को अपने पति की भक्ति भाव से परम पति के रूप में सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन को भी गृहस्थ आश्रम का नाम दिया गया है। आश्रम का अर्थ है जहां श्रम नहीं है। पति पत्नी दोनों को ही गृहस्थ आश्रम में आश्रम समझकर रहना चाहिए। सबको यह समझना चाहिए कि भगवान हमसे इसी रूप में सेवा ले रहा है। भगवत बुद्धि से अगर कोई सेवा करता है तो वह भगवान के पास पहुंच जाती है। यह सेवा यदि ठीक तरह से होगी तो जरूर भगवत प्राप्ति होगी। भगवत स्मरण और भगवान का बोध रहना चाहिए। नित्य सुबह दोपहर और शाम को अपने गुरु ने जैसा बताया हो वैसे ही भगवत भजन करना चाहिए। चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान का स्मरण रखना चाहिए। भगवान का मंत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। तुम जिस हालत में रहो उसी हालत में भगवान का स्मरण कर सकते हो। करते करते श्रद्धा भक्ति भी आ जाएगी और मन स्थिर करने में सहायता भी मिलेगी, बनत बनत बन जाएगा। प्रश्न, माँ चंचल कृष्ण का ध्यान करके चंचलता कैसे छूटेगी? माँ तुम करके देखो तो। प्रश्न, माँ शास्त्रों ने बताया है कि कृष्ण बड़ा चंचल था। माँ, पिताजी ने कहा कि मन चंचल है, यदि भगवान के लिए चंचलता होती तब तो सब चंचलता दूर हो जाती। भगवान चंचल और अचंचल दोनों ही हैं, दोनों वहां ठहरते हैं। तुम करके तो देखो, चंचलता को मिटाने के लिए चंचल का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के लिए चंचलता का होना ही चंचलता को मिटाना है। इससे क्या होगा, जो अनित्य है अर्थात घटने बढ़ने वाला है सब चला जाएगा। जैसे बादल रहने से सूर्य होते हुए भी पता नहीं चलता, परंतु जब बादल हट जाता है तब सूर्य का पता चल जाता है। मन का स्वभाव चंचल है, छोटे बच्चे का स्वभाव भी चंचल है। जैसे छोटे बच्चे को समझा बुझाकर शांत करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही मन रूपी बच्चे को भी शांत करने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के लिए यदि मन चंचल होता है तो समझना चाहिए कि यह भगवान की कृपा है। प्रश्न, माँ मन का स्वभाव ही यदि चंचल है तो वह अपना स्वभाव कैसे बदलेगा? जैसे कोयले को पानी से चाहे कितना ही धो फिर भी वह अपना रंग कभी नहीं छोड़ता। माँ, कोयले का मैला छूटे कब? जब वह अग्नि में प्रवेश करे तब। मन जब अमन होता है तब उसकी चंचलता छूट जाती है और उसे शांति प्राप्त होती है। यह शरीर तो कहता है कि मन छोटे बच्चे के सदृश है। जैसे बच्चे को अच्छे बुरे का विचार नहीं है, चंदन मैले का ज्ञान नहीं है और बड़े छोटे का ज्ञान नहीं है, इसीलिए मन को बच्चा कहते हैं। जब मन रूपी बच्चे को आत्मा रूपी माँ मिलेगी तब शांति होगी। भगवान की प्राप्ति के लिए विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता है। अपने अपने इष्ट के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको लेकर रात दिन तन्मय रहना चाहिए। ऐसा करते करते धीरे धीरे मन बदल जाएगा, उसको अनुभव होगा कि भगवान हमसे
अलग नहीं है, इसलिए कहीं भी विरोध नहीं करना। जो व्यक्ति जहां खड़ा होकर जो कुछ देखता है वह ठीक ही देखता है, जैसा देखता है वैसा ही तो कहेगा, इसलिए विरोध करने की कोई बात नहीं है। यदि कोई विरोध करे तो यह शरीर तो कहेगा कि हाँ, जो विरोध कर रहा है वहां से वह वैसा ही देखता है। खराब दृष्टि खराब है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जहां यह दृष्टि सृष्टि की बात नहीं है वहां भगवान ही है। रावण का क्या हुआ? श्री रामचंद्र के हाथ से उसकी अंतिम क्रिया हुई, वह विरोध भाव से हुई, फिर भी अंत में भगवत गति हुई। रूप में, अरूप में, नाम में और अनाम में, सर्वत्र तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। प्रश्न, मां राम बनने की इच्छा हो तो प्रेम से राम बने, फिर रावण बनने की क्या आवश्यकता है? मां, जो ना करे ना करे, कैसा सुंदर। जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए तो भगवान का स्थान है ही, परंतु जो विरोध से करते हैं भगवान ने उनके लिए भी स्थान रखा है। प्रश्न, मां एक व्यक्ति शिव भक्त है और वह शिव की भावना कर रहा है, यदि वह व्यक्ति कृष्ण की भावना करके जाए तो पहली भावना के लिए वह विरोधात्मक होगी या नहीं? मां, पिता पुत्र और पति के रूप में एक ही है, यदि शिव भक्त को कृष्ण की भावना आ जाए तो समझना चाहिए कि हमारे शिव जी ही इस रूप में लीला कर रहे हैं। विरोध होता है रास्ते में, सचमुच प्रकाश में विरोध नहीं है, मन के राज्य के बीच में विरोध की भावना रहती है। प्रश्न, मां विरोध का क्या मतलब है? मां, विरोध का मतलब है पर्दा। भगवान पर श्रद्धा रखो, चाहे किसी संप्रदाय में हो, किसी दूसरे संप्रदाय से विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु ने जो मार्ग बताया वही करना चाहिए। प्रकाश होने से विरोध का पर्दा अपने आप हट जाएगा। प्रश्न, मां सभी संप्रदाय वाले भगवान को चाहते हैं तो फिर भगवान सबको लड़ा क्यों देते हैं? मां, जिस स्थान पर तू खड़ा है उस स्थान का रूप तो प्रकट होगा ही। भगवान नहीं लड़ाते, लड़ाई है मैं तू से। दुनिया में जहां दो हैं वहां लड़ाई है, भय है और द्वंद्व है। प्रश्न, मां लड़ाई रुकती क्यों नहीं? मां, खंडन मंडन की जहां जगह है वहां वैसा ही होगा। प्रश्न, मां क्यों? मां, उनकी मौज, भगवान मौजी सरकार हैं, वह तो अपने को लेकर खेलते हैं। तेरे मेरे में द्वंद्व है, जहां मेरा तेरा है वहीं मृत्यु है। प्रश्न, मां तुम क्या हमारा सब लेना चाहती हो? मां, तुम्हारा उन्हीं से प्रकाश है, जगत में जो कुछ है सब उन्हीं का है। और तुम कहते हो कि हम कुछ नहीं देंगे, तुमने अभी कहा कि तुम हमारा सब लेना चाहती हो, सब तो उन्हीं का है, तुम्हारा क्या है? तुम उनका हो जाने की कोशिश करो। प्रश्न, मां हम तो चाहते हैं कि वह भी रहें और हम भी रहें। मां, तुम सर्वस्व नहीं दोगे तो सर्वस्व पाओगे कैसे? सब छोड़ोगे तो सब पाओगे। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।